अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जनाब आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे पता है आप लोग मेरे व्लॉग का बहुत वेट कर रहे होंगे। मेरा व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आया है और ये जी मेरा बारात का व्लॉग है और ये जी हमारी सेल्फी हो रही है और मेरी सिस्टर इन लॉ है मेरे साथ और ये मैं हूँ पर्पल में और ये था जी मेरा ड्रेस ओवरऑल लुक और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर और ये सूट मेरा मोस्ट फेवरेट है। और फिर बारात आ गई, अब हम बारात को वेलकम करेंगे और बारात के आने की जो खुशी होती है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। और ये जो है मेरे कज़न की शादी थी और मेरी खाले की बेटी की, वो ये देखिए फायरवर्क जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर अनार, सिर्फ ओनली अनार या फिर ढोल जो बज रहा होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया तो सोचा आप लोग के साथ भी मैं अपनी इन्जॉयमेंट शेयर करूँ। अब आपको व्लॉग काफ़ी दिनों बाद अपलोड करूँगी तो मैंने सोचा बारात और वलीमा जो है वो साथ ही आप लोग के साथ अपलोड कर दूं। और जनाब ये हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी दुल्हन और बारात वाली माँ, सोचा आप लोग को साथ ही अपलोड कर दूँ। ऑब्वियसली आप लोग को इतना वेट कराया है तो सोचा कि ना आप लोग को भी पूरा भरपूर इंजॉय मिलना चाहिए, एक ही व्लॉग में मिल जाना चाहिए जब इतना वेट कराया है। और जनाब यहाँ हम सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं बैठे हुए हैं, डिनर टाइम हो गया है और हम लोग डिनर कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरी अम्मी, अबू, मेरी सिस्टर्स और ऑल फैमिली मेम्बर्स कुछ यहाँ आए, कुछ यहाँ आए माशाल्लाह। और बहुत मज़ा आया गाइज। और बैकग्राउंड में जो है म्यूज़िक बहुत लाउड था और इसलिए मैंने अपने मुझे यहाँ वॉइस ओवर देना पड़ा, क्योंकि म्यूज़िक जब भी आ रहा है तो वो कॉपीराइट इशू हो जा रहा है वीडियोस में, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो इसलिए मैंने पूरा ही म्यूट कर दिया। और फिर हम जा रहे थे घर और घर जाते जाते बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे वलीमे वाले दिन, रिसेप्शन वाले दिन, बट इसी व्लॉग में आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और जनाब ये था जी वलीमे का दिन और मैं हो रही थी रिसेप्शन के लिए रेडी, मतलब अपनी कज़न के रिसेप्शन के लिए रेडी और मेकअप मेरा हो गया डन और ये जी लास्ट में जी ब्लो ड्रायर है। और फिर हम आ गए हैं जी बस में और बस जो है हमारी सब हम लोग वेट कर रहे थे और गेस्ट आ जाएं। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने फ्रेंजी से जो है वो रिंग्स मंगाई थी जो दोनों मैंने एक साथ पहनी हुई हैं। और बस और जो मज़ा दूर की सफ़र में आता है, बारात दूर जाना हो या वलीमा दूर का हो, तो उसकी इन्जॉयमेंट की बात अलग होती है और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और बच्चे तो इतने इन्जॉयमेंट से, मेरे बराबर में मेरे नेफ्यूज़ हो बैठे हुए हैं और ये आधे रास्ते में सो भी गए हैं, शौक बहुत आ रहा था इन्हें विंडो के पास बैठने का, बट बच्चों का तो पता है सो ही जाते हैं। और फिर यहाँ जी हम पहुँच गए हैं और तो जनाब ये मेरा जो है ड्रेस था वलीमे में जो मैंने पहना था। और ये देखिए गाइस टील कलर और सिल्वर हील है और वन ऑफ माय फेवरेट कलर, ये भी मेरा फेवरेट कलर है। और ये जी मेरे इयर रिंग्स हैं सिल्वर कलर के, काफ़ी ज़्यादा उठ रहे थे इसके साथ सूट करे। तो फिर जनाब ये आ गई हमारी ब्राइड की एंट्री और यहाँ पर जो है वो अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छा हुआ हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं आपसे, एक क्यूरियोसिटी होती है तो मैंने इसलिए यहाँ पर अपने ब्राइड की जो है फेस आप लोग से हाइड नहीं की है, सोचा जब पूरा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया तो सोचा बारात में तो नहीं मैंने आप लोग को रिवील किया फेस, बट कि देखिए माशाल्लाह ये है हमारी खूबसूरत सी ब्राइड। और सोचा क्यों आप लोग से छुपाऊँ तो बस। और जी ये रही मेरी नेफ्यू, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी लाइटों से कि ये क्यों बन बुझ हो रही हैं। और डिनर और ऑल सिस्टर्स हम सारे,
माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, और मुझे बहुत मज़ा आया। और जी हाँ, हो गया रिसेप्शन जी। एंड अब आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया। पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।